हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल युविका चौधरी। अब हम खोल रहे हैं अपने घर का दरवाज़ा। गॉड, एज ऑलवेज हम हो गए थे लेट। कहाँ जा रहे थे विभा हम लोग? हम जा रहे थे डॉक्टर के पास तुम्हारी आंखें चेक कराने। आंखें चेक कराने? तुम्हें मैं शुरू से अच्छा दिखता नहीं हूँ। इसलिए मैं डॉक्टर के पास लेके जा रहा था तुम्हारी आंखें चेक कराऊं। मेरी आंखों में बहुत ज्यादा पेन होता है। यस आई नो। फोन को भी सैनिटाइज किया। बाप रे, पकड़ो मैं सैनिटाइज करके आ जाऊँ अपने हाथों को। इधर मत देखो, पकड़ो। आपका फोन सैनिटाइज है? यस छक्कू। यस यस यस। वो कैप भी दे देना। ये है इस इंसान की टी-शर्ट, ताकि ये ब्लॉग बनाने वाली हालत में आ जाए। हमेशा जब देखो आपको बॉडी बिना कपड़ों की रहती है। शुक्र मनाओ आपको बॉडी रहती है। आई स्वेयर, मैं इसको इतना इतनी गर्मी लगती है ना प्रिंस को, इतना स्वेट आता है कि गंजी वंजी कुछ पहनता ही नहीं। वो कैप भी दे दो। तो फाइनली आई एम सेइंग, ही रिक्वेस्ट कर रही हूं प्लीज। ये काम भी करने तब गई है क्योंकि इसका अपना मतलब था। इस इंसान का अपना मतलब व्लॉग करना है, अदरवाइज ये मेरे कपड़े कभी ना उठा के ले गया है। घर के सारे काम कौन कर रहा है? मैं। क्या? मैं? क्या? मैं? तुमने अपने आप को देखा है? अदरक की तरह चौड़े होके सुकड़ते जा रहे हो डाइट कर करके। इसी सोफे पे बैठे रहते हो सुबह से शाम तक। बेबी प्रोटीन लाना, बेबी अंडे लाना, बेबी कुछ खाने का मन कर रहा है। एवरी टू आवर्स आई एम डूइंग एवरीथिंग। अच्छा बेबी, आई वुड लव इट इफ यू पैम्पर मी। बेबी नीचे तक कौन जाता है बार बार? नीचे तक जिम के लिए। जिम के लिए नहीं, वैसे ही नहीं। स्वेट करना नहीं, जिम खुद का जिम होता है। सीढ़ियों से नीचे जाना, ऊपर आना। खुद का जिम करते हो? मैं क्या करती हूं? मुझे मना करना पड़ता है कि मैं थक गई हूं, मेरी जिम की हालत रही नहीं। आई लव यू सो मच कि मैं चाहता हूं कि सारे काम आप करो कि मैं ना करूं। मतलब मैं कोई ऐसा ना काम मैं काम करूं और बढ़ जाए, आपको और मेहनत करनी पड़े, इसलिए चाहता हूं कि सारा आप ही कर लो। ये ना अच्छा है बेबी, वो अनप्रेस हो जाएगी रैम। अब ये तुम, ये भी चाहिए तुम्हें? हाँ। हीरोपन दिखाने के लिए? हाँ। Guys, only for you। अदरवाइज मैं कभी ना करूँ। देखा, आ गई ना असलियत, असलियत आ गई ना सब। चलो। मैं जल्दी कैसी भी लगूं, मेरा चलेगा। yeah. खुद का स्टाइल अच्छा दिखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये सोफा है। ये इसकी बॉटल है? मेरी बॉटल नहीं है ये, जो मेरी तरफ से। ये लो, ये बॉटल अब किसकी हुई? उस इंसान की जो भी पानी पिया। हेलो। ओह गॉड, ये बॉटल आपकी नहीं है? ऑफ कोर्स ये बॉटल मेरी नहीं है। अभी अभी नहीं है, वैसे आपकी है ना ये? ऑफ कोर्स। अगर आप बोलोगे नहीं है, मैं तोड़ दूंगा। मैं तोड़ के दिखाना बस इस लॉकडाउन में। हेलो, हाय बल्बी। सेंटर में तो बैठ जा। पैरों पे बैठते हैं सेंटर में। तो मेरा फिट भी तो होना चाहिए ना। पुट्ठा इतना पुट्ठा, छोटे से पुट्ठा है मेरा, फिट होना चाहिए। नहीं बबी बाप, तो मोटी हुई हूँ यार। गाइस मतलब आप लोग तो हंसोगे, लेकिन पता है क्या, इस इंसान के चक्कर में मैं भी फैलती जा रही हूँ। मैंने क्या किया? बार बार खाती हूँ मैं अपना तो खाना, खाती हूँ मैं आपको भी खा लेती हूँ। मैं अंडे खाता हूँ, ठीक है? मैं, मेरा क्या है कि मेरा तो खाना अलग चलता ही है, कभी पराठा कभी चीला कभी कुछ कभी कुछ। उसके अलावा जब प्रिंस का भी बन रहा होता है तो मैं उसका बनाते बनाते अपना भी हिस्सा साइड में, चलो साथ में कंपनी दे देती है।
इस पे कंट्रोल होना चाहिए, इस पे इतना कंट्रोल है ना वो दिखता है। Give you 15 days. पता मैं इसलिए मोटा है नहीं भी भाई, मैं मोटी नहीं, पर वाटर रिटेंशन हो रही है मुझे बहुत ज्यादा। कोई ना, हम वाटर टेंशन को बोल देंगे अपनी। हाँ, खुद का, खुद की तो बोली जाती अपनी। कुछ भी भाई, ब्लोटिंग को क्या करना है, ब्लोटिंग को भगाना है तो उसके लिए वर्कआउट करना पड़ता है, उसके लिए उठना पड़ता है। या तो मेरा एंगल बहुत अजीब था, कुछ तो प्रॉब्लम है, बिकॉज मैं वहाँ खड़ी थी तो मैंने अभी देखा अपने आप को, मेरा फेस इतना बड़ा नहीं था, अभी भी ठीक लग रही हूँ क्योंकि मैं दूर हूँ, अच्छी लग रही हूँ। अब हो गए, चलो अब मैंने आपको बिठा लिया, अब सो खत्म। नहीं, 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 नहीं। बस मेरा बस इतना ही था प्यार, इतना ही था बेबा, इतना ही था, इतना ही था, इतना ही था प्यार, झूठा दिखावा। ये सिर्फ कैमरे के लिए था, सिर्फ आप लोगों के लिए, वैसे मुझे कभी नहीं बिठाएगा ये। मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते, यही होता है कद्दू। आफ्टर फ्यू इयर्स मेरे हस्बैंड मुझे प्यार नहीं करते, कराओ मुझे बुजस्ती, इसी का तो कॉन्ट्रैक्ट किया है हमने। हाय गाइस, गाइस आई एम रियली सॉरी अगर आपको ऐसे ऐसे व्लॉग देखने पड़ते हैं जो आपको जबरदस्ती देखने हो। हाँ, है ना, मेरा मिट्टू बनाता रहता, बस चलने दो, भगवान की दया, चलने दे, चलने दे। अभी क्या करें यार, अभी ऑफ कोर्स जो बाहर हो रहा है उसके बारे में तो इतने दिन घर बैठ के हमने इग्नोर करके निकाल दिया टाइम, लेकिन अब ना वक्त नहीं निकलता, दिमाग खराब हो जाता है। एवरी डे एंड नाइट मम्मी प्रेयर की भगवान ये जो हो रहा है आसपास ख़त्म करे, कोरोना ख़त्म करे, लोगों के घरों से ये बीमारी सब कुछ ख़त्म करे, और प्लीज़ आप ये बंद करो, मतलब फ़ोन का कुछ भी खोलो ना, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया में कहीं पर भी जाओ, सिर्फ कोविड के लिए देखने को मिलता है, सिर्फ कोविड के लिए। मतलब इंसान, अब मुझे लगता है कि इंसान ना को मेंटली स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना डिप्रेशन में चल जाएंगे, घर के अंदर बैठे हैं, बाहर निकल पा रहे हैं, ऊपर से न्यूज़ देखो तो न्यूज़ वालों में सिर्फ वही दिखा रहे हैं, है ना, घर वालों की टेंशन, फिर फ़ोन खोलो, फ़ोन के अंदर वही टेंशन। सो आई होप कि आप सब सेफ रहो यार, प्रे करेंगे और प्लीज़ घर से मत बाहर निकलो, क्योंकि वी आर यंग, हम फिर भी सर्वाइव कर सकते हैं, तो हमारे पेरेंट्स वो उस एज के नहीं है कि वो इसको झेल पाए, है ना। और वैसे तो भी किसको अच्छा लगता है रोज सुबह उठ के ये न्यूज़ सुनो कि आज उसकी डेथ हो गई, आज उसकी डेथ हो गई, आज उसकी डेथ हो गई। ऑनेस्टली स्पीकिंग क्या बोले, स्पीचलेस। सो गाइस ये है हम सबकी जिंदगी जो चल रही है, कोशिश कर रहे हैं, बस दुआई कर सकते हैं आपसे, बिल्कुल प्रेयर करिए, हम भी प्रेयर कर रहे हैं, बाकी फैजू आता रहेगा। हाँ फैजू आता रहेगा, मैं सच में चाहती हूँ कुछ नया आए, कितनी सारी सीरीज देख रहे हो, इंग्लिश फिल्म्स देख रहे हो, कोई तो कैरेक्टर पकड़ो, क्या फैजू पे अटक गए। 78th फ्लोर, हाँ 78th, चले ही चोली भी 70th फ्लोर में कभी ना जाऊं यार, ऊपर से गिरूंगा तो जिंदगी कुछ नहीं रहेगा, मतलब रास्ते में नीचे गिरने से पहले मर जाऊंगा। 78th फ्लोर, 70 फ्लोर मतलब ऊपर, मतलब इसके ऊपर भी और होंगे, मतलब ये 70 फ्लोर है, बहुत ज्यादा लगता है। नो नेवर, मैं 11-12 फ्लोर से ऊपर कभी ना जाऊं। हेलो 11-12, हम वी आर स्टेइंग ऑन 14th फ्लोर, हां इसके ऊपर कुछ नहीं है, ये लास्ट ही है हमारा, ये हमारा लास्ट ही है, नहीं इसके ऊपर नहीं है, अभी जाएंगे अभी, और इससे ऊपर में हाइट नहीं है, जाएंगे ऊपर, हाइट से डर लगता है, हाइट से डर लगता है, मेरे को लगता है कि घर पे डॉग भी होते हैं। आपको एक बात बता दूं, प्रिंस को बहुत डर लगता है फ्लाइट में बैठने से। हां मुझे फ्लाइट में डर लगता है, नहीं था अब उसको लगने लगा है, हाइट से डर लगता है, हाइट डर लगता तो मैं बंजी जंपिंग आपकी मैंने करी थी, ठीक है, यू नेवर यूज्ड टू से लाते आपकी कांपने लगी थी ना, यू नेवर यूज्ड टू से दिस कि मुझे फ्लाइट से डर लगता है, यू जस्ट स्टार्टेड टेलिंग मी। अब मतलब मैं ज़्यादा फ्लाई करता हूँ, भगवान की दया से काम करते हैं, तो इधर फ्लाई करके रहता है, अब डर लगता है, बिकॉज़ फैमिली को डर लगता
अब क्या हो गया कि ऐसा लगता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मम्मा पापा प्रिंस मॉम डैड एवरीबॉडी सिस्टर्स एवरीबॉडी आर सो स्केयर्ड ऑफ फ्लाइट हाइट्स वो सुन सुन के अब उसको भी डर लगता है एंड यू आई शुड मेक वन वीडियो व्हेन ही इज इन द फ्लाइट ओ माय गॉड एक्चुअली मुझे बनाना चाहिए क्या रिएक्शन वैसा प्रिंस आपने कभी नहीं देखा होगा बहुत डरता है बाप रे बहुत ज्यादा ऐसे मतलब फ्लाइट में सो नहीं सकता क्या मैं 3 दिन से ना सोया हूं लोग आके फ्लाइट में मैं देखता हूँ अपने आसपास लोग ऐसे मुंह खोल के सो रहे होते हैं ये सो जाती है और मेरे को मैं अगर मेरी आंख लगने भी लगी हो ना और जैसे ही टर्मिनल आती है हल्का सा प्लेन हिलता है तो मैं ऐसे हो जाता हूँ सबसे अच्छी नींद फ्लाइट में आती है सबसे अच्छी नींद पर हुआ इस वजह से है कि डर लगता है कि अगर मुझे कुछ हो गए तो अब सबको कौन सा तुम मुझ जैसी को 50,000 बार मार के मरोगे इतना तो नहीं चलो कम थोड़ा ज्यादा लगा मारोगे जरूर है ना ओले भूल जाओ ऐसा कभी नहीं होगा चलो अब बाय गाइस आई लव यू Bye guys. See you all in my next vlog. That's called Yuvika Chaudhary. Love you all. And sorry if we have bored you, but we love you all. Be safe and keep praying.